देशवासियों को ईद की, साथ ही भगवान परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। आज के हालात के मद्देनजर रखते हुए ईद का त्यौहार बेहद सादगी के साथ मनाएं और सरकार के जो गाइडलाइन है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ईद का पर्व मनाएं। सामूहिक रूप से ईदगाह में जाकर नमाज न पढ़ें और आज देश और इंसानियत के लिए करोड़ों हाथे दुआ करने के लिए उठेगी कि इस महामारी से ऊपर वाला या खुदा सबको बख्श दे और रहम फरमा।